बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जिस पल का हमें इतने दिनों से इंतजार था, फाइनली वो इंतजार खत्म हुआ है और आज हमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में पहला मुकाबला देखने को मिला, जहां पर हमारे इंडिया की तरफ से दो दो प्लेयर्स को डेब्यू करने का मौका मिला और दोनों ही प्लेयर्स ने एकदम कमाल का प्रदर्शन दिखाया। मजा आ गया देख के। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉस होता है और टॉस जो है हमारे पहले मुकाबले के कप्तान जसप्रीत बुमराह जीत जाते हैं और फिर टॉस जीतकर ये बल्लेबाजी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन भाई साहब, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने के फैसले से जितने ज्यादा हम एक्साइटेड थे ना, उससे ज्यादा धक्का तो हमें तब लगता है जब हमारे भारतीय टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जो है कुछ खास कर ही नहीं पाते। अब आप ही बताइए, जितना ज्यादा यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली के चर्चे चल रहे थे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देशों में, उसके अनुसार इन्होंने पहले मुकाबले में क्या किया, यशस्वी जायसवाल जो है डग आउट होकर चले गए और विराट कोहली जो है 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यानी भाई साहब, कहा जाए तो 3 बल्लेबाजों को छोड़कर इंडियन टीम की बल्लेबाजी जो है पूरी तरह फ्लॉप रही। केएल राहुल जो है 74 गेंदों में 26 रन बनाए, ऋषभ पंत जो है 78 गेंदों में 37 रन बनाए और वहीं डेब्यू बॉय नीतीश कुमार रेड्डी ने सबसे बेहतर 59 गेंदों में 41 रन बनाए। और हमारे टीम इंडिया के इन 3 बल्लेबाजों को छोड़कर और सारे ही बल्लेबाजों की हवा निकल गई थी भाई। इन 3 बल्लेबाजों के बदौलत ही हमारी टीम इंडिया जो है थोड़ा सा सामान्य जनक स्कोर 150 रनों तक पहुंच पाई। वहीं बात करें ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की, तो मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट लिए, जॉस हेजलवुड ने 4 विकेट लिए और कप्तान पैट कमिंस ने 2 विकेट, मिचेल मार्श ने भी 2 विकेट लिए। लेकिन भाई साहब, पहले दिन सबसे ज्यादा मजा तो तब आया जब ऑस्ट्रेलियन टीम के बल्लेबाज भी बैटिंग करने उतरे, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे टीम इंडिया के बल्लेबाजों का हाल हुआ था ना पहले इनिंग में, उसी प्रकार से सेम इनका भी हाल हुआ। हमारे कप्तान जसप्रीत बुमराह जो है एकदम फ्रंट से लीड करते हुए मैच 7 ओवर के अंदर ही इनके 3 बल्लेबाजों को चलता कर दिए। उसके बाद क्या था, हर्षित राणा का डेब्यू ओवर देखने में तो भैया मजा ही आ गया। इनका पहला ओवर मेडन रहा और इस ओवर में इन्होंने मार्नस लाबुसेन की बॉडी तोड़ के रख दी भाई, और फिर उसके बाद ट्रेविस हेड को बोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर विकेट लेने की रेस चली रही थी तो हमारे डीएसपी साहब भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, इन्होंने भी पहले मिचेल मार्श को चलता कर दिया और फिर उसके बाद मार्नस लाबुसेन को भी एलबीडब्ल्यू कर दिया। इस समय तक ऑस्ट्रेलियन टीम के मैच 47 रनों पर ही 6 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद दिन के अंत तक हमारे कप्तान जसप्रीत बुमराह ने सामने वाले टीम के कप्तान पैट कमिंस को भी चलता कर दिया और इसी के साथ स्टंप लगने तक ऑस्ट्रेलियन टीम के मैच 67 रनों पर ही 7 विकेट गिर चुके थे। ये था आपके सामने पहले दिन का ओवरव्यू। अब दूसरे दिन क्या होता है, इस न्यूज के साथ मिलते हैं फिर आपसे कल।